आइए जानते हैं पैडमैन के 50 डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त भूषण, और आइए एक नजर डालें इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। पैडमैन 9 फरवरी को रिलीज हुई थी। पैडमैन में अक्षय कुमार के साथ राधिका आप्टे और सोनम कपूर भी दिखे। पैडमैन का निर्देशन किया है आर बाल्की ने। यह फिल्म पैडमैन महिलाओं की महामारी के दौरान होने वाले उस तकलीफ के खिलाफ एक मुहिम के रूप में बनाई गई हुई कमर्शियल फिल्म है। यह फिल्म सैनिटरी नैपकिन के क्षेत्र में क्रांति आविष्कार करने वाले अरुणाचल मुर्गनाथम की जिंदगी से जुड़ी हुई बायोपिक है, जिन्होंने हाइजीनिक और सस्ते नैपकिन बनाने वाली मशीन बनाई थी। करीब 90 करोड़ की लागत से बनी हुई यह फिल्म पैडमैन देश के 2750 सिनेमाघरों में उतारी गई है। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं फिल्म के कलेक्शंस के बारे में। फिल्म 9 फरवरी को रिलीज हुई थी, यानी फ्राइडे को। फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन रहे थे 10 करोड़ 26 लाख रुपीज। फिल्म के सेकेंड डे कलेक्शन यानी सैटरडे को इसका कलेक्शन रहा था 13 करोड़ 68 लाख रुपीज। फिल्म का संडे का कलेक्शन रहा था यानी थर्ड डे का कलेक्शन था 16 करोड़ 11 लाख रुपीज। फिल्म का टोटल वीकेंड कलेक्शन था 40 करोड़ 5 लाख रुपीज। फिल्म का मंडे कलेक्शन यानी फोर्थ डे का कलेक्शन था 11.60 करोड़ रुपीज। तो इस तरीके से फिल्म का अब तक का कलेक्शन हो चुका है 56 करोड़ रुपीज। तो दोस्तों, ट्रेडिंग एक्सपर्ट की माने तो फिल्म ट्यूजडे को कलेक्शन करेगी पूरे 11 करोड़ रुपीज। इस तरीके से फिल्म का टोटल कलेक्शन हो जाएगा 64 करोड़ 33 लाख रुपीज। या दोस्तों, 64 करोड़ 33 लाख रुपए। ये फिल्म धीरे धीरे अपनी कमाई की बढ़ोतरी बढ़ाए हुए। फिल्म की शुरुआत थोड़ी कमजोर रही थी, पर वक्त के साथ ये फिल्म दर्शकों के दिलों में उतरती जा रही है। माना जा रहा है कि फिल्म समाज में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ये सच में फिल्म समाज में कोई बड़ा बदलाव लाएगी। तो क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर बताएं। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई हो, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम देते हैं हर खबर सबसे पहले।